जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आज बारचू क्षेत्र में आया हूं और यहां आपकी मुलाकात करवाते हैं बीएसएफ से रिटायर्ड हवलदार मुंशी सिंह जी चौहान से। इनकी कुछ समस्याएं हैं और उस समस्या के लिए इन्होंने अपनी बटालियन, इनकी जो 07 बटालियन में संपर्क किया था 2.5 साल पहले, इनके बीएसएफ हेडक्वार्टर दिल्ली में मैंने खुद कुछ लेटर डाले थे। इनकी जो अभी पेंशन कमा रही है उसकी वजह से, तो उन्होंने, कमांडेंट साहब मेरे जानकार थे, उनको मैंने बताया था कि मैं इसके कुछ करवाओ। उन्होंने सिर्फ 400 रुपये बढ़ाए जरूर हैं और उसके बाद अभी वो कमांडेंट साहब तो रिटायरमेंट हो चुके हैं, बोले मेरे बस की कुछ नहीं है। इन्होंने 31 साल 4 महीने सर्विस की है। सबसे पहले ये अपना परिचय खुद दे बताए। मैं हेड कांस्टेबल, मैं नंबर 75001339 हेड कांस्टेबल मुंशी सिंह, 07 बीएन बीएसएफ। मैं नौकरी 31 साल 4 महीने नौकरी करी है। मेरी भर्ती डेट 30/5/1975। मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ 30/9/2006 में। मेरी पहले तनख्वाह थी 14,400 बेसिक पे बनाई थी एक कमीशन में। जब मैंने 2.5 साल पहले कार्रवाई करी तो मेरी बेसिक पे 400 रुपये और बढ़ाकर 14,800 कर दी। उसके बाद में और कोई कार्रवाई नहीं करी, कितना क्या है अभी मेरे को पता भी नहीं है। ये सब 07 कहाँ है, इसलिए सभी साहिबान, सभी अफसरों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है रिकॉर्ड सही करा करके हमारी पेंशन जो है ठीक कराई जाए। मैं हमारे देश के गृह मंत्री जो इस समय अमित शाह जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चीज पर ध्यान दें। चाहे वो दिल्ली में बैठे बीएसएफ के कलर के स्टाफ हैं या बड़े अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जिनकी जिम्मेवारी है, चाहे 07 बटालियन के कलर के स्टाफ और उनके एडम अफसर, उनके जो कमांडिंग अधिकारी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो आपके पुराने फौजी हैं जो रिटायर्ड हुए, जिनको काफी साल हो चुके हैं, उनकी पेमेंट में या उनको बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है? आप लोग जो बैठे पेमेंट लेते हो, आपका जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह जो भी जवान है बीएसएफ के, मेरे को बहुत से जवान जो मिले हैं उनका इसी तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, सबको बताया कि आर्मी के आज एक हवलदार की पेंशन भी करीबन 23-24 हज़ार है और जो हमारे नए सूबेदार की करीबन 30 के लगभग पेंशन है और उन इनकी अभी फिलहाल जो पेमेंट आ रही है 10,000 रुपये हमारे नए सूबेदार से कम है और हवलदार से भी 5-6 हज़ार रुपये कम है। तो ऐसा फर्क क्यों है? वन रैंक पेंशन जो दी गई है डिफेंस को, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, अच्छी बात है, चलो उनको मिली है, लेकिन इनके साथ इतना भेदभाव क्यों? इनको वन रैंक और वन पेंशन अभी इसलिए नहीं दी जा रही है कि क्योंकि चलो इनका 2004 से पेंशन बंद है, आगे का रेशो नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन जो कम से कम जो पुराने हैं उनकी बेसिक बटाने का कार्रवाई तो आप करें। और दूसरा जो हमारे जिस तरह 8, 16 और 24 का जो आर्मी में रैंक स्ट्रक्चर का बढ़ाने का है, उसी तरह इनका 10, 20 और 30 का है, तो इनको नया डॉक्यूमेंट में जो 30,000 ACP मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। वो जिम्मेवारी किसकी है? वहां बैठे जो अफसरों की या कलरकों की? सभी कलरक स्टाफ से, वो बीएसएफ से हो, सीआरपीएफ से हो, या चाहे हमारी आर्मी के किसी के भी हो, उनसे मैं सीधे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप बंद कमरों के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट जो ठीक करते रहते हो, उसी की वजह से आपको एक जवान जो बार बर्फ में ड्यूटी कर रहा है, चाहे फील्ड में कर रहा हो, चाहे सीआई एरिया हो, सभी एरिया में वो जो ड्यूटी करता है उसकी बराबर आपको बंद कमरे में बैठे अलाउंस मिलता है। और वो अलाउंस किस वजह से? कि आप उनका भी काम करें। लेकिन नहीं, आप उनका काम नहीं करेंगे, आप उन अफसरों का जो आपको डंडा देकर रखते हैं, उनका टीए डीए सब चीज एक एक रुपए का हिसाब उनका कर देते हो, फिर इन जवानों का कौन करेगा? आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक अच्छे होनहार जवान की तरह कि आप कम से कम आपके उन साथियों का भी इस तरह से हर एक जो उनका डॉक्यूमेंट है वो पूरा करें। जो बहुत से ऐसे हमारे रिटायर्ड फौजी हैं जिनको या तो इन चीजों का पता भी नहीं, आज क्या पेमेंट मिल रही है क्या कुछ नहीं, बहुत से लोग आर्मी के बीएसएफ के वो करते हैं कि क्या करें, अभी केस करें या इस कैसे पूरा होगा,
हर आदमी के पास इतना ना तो नॉलेज है ना इतना पैसा खर्च करने के लिए है कि वो जाके हर चीज को हाईकोर्ट में अप्लाई करे और फिर उनको मिले। तो ये जिम्मेवारी जो हेडक्वार्टर है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर है, बीएसएफ हेडक्वार्टर है, चाहे सीआरपीएफ, ये मेन हेडक्वार्टर है, उनकी जिम्मेवारी है कि पुराने रिटायर्ड लोगों की आप ध्यान दें और उनको मिलने वाली जो नए स्केल है वो उनका पूर्ति करें। ये लेटर दो दो साल से या तीन तीन साल से लेटर देते हैं, 07 बटालियन इतना कमांडेंट कौन है इस समय? आपको फर्ज नहीं बनता कि आपके उन लेटरों का जवाब दे, चार चार लेटरों का कोई जवाब नहीं आता है। तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और उन सभी रिटायर्ड जवान जिन्होंने कहीं ना कहीं देश सेवा की है, 31 साल 4 महीने इन्होंने देश के लिए सेवा की है और उसी वजह से इनको आज कानून से सुनता नहीं है, क्योंकि वहां जब ये जेएनके में सर्विस कर रहे थे तो कान के नजदीक से कितनी गोलियां निकली होंगी, कितने ग्रेनेड फटे हैं, तब इनको कानों में प्रॉब्लम आई है। और उनका उस समय जब ये अगला कोर्स करना चाहते थे तो वहां जो पता नहीं उस समय कौन कमांडेंट था या कोई भी सीओ था या अधिकारी थे, इनको कोर्स भी नहीं करने दिया कि नहीं ठीक है आप 31 साल करके चले जाओ। तो जो डॉक्यूमेंट में मिलने वाली एसीपी तो मिलनी चाहिए थी, हालांकि उस समय क्या था कि 2006 तक लोगों को पता नहीं था कि एसीपी का ये हिसाब है, लेकिन जब वो चले गए तो आपका वहां बैठे जो आज के डेट में जो बैठे हैं, जो पेमेंट ले रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट का ही पैसा मतलब तनख्वाह लेते हैं, उनका जिम्मेवारी बनती है कि सभी का ये कागज कार्रवाई पूरा करें और इन सबको वो सुविधा मिलनी चाहिए जो फिलहाल आज के लोगों को मिल रही है। मैं निवेदन एक बार फिर करना चाहता हूँ अमित शाह जी से, थोड़ा इस कलर के स्टाफ को और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे सभी अफसर हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको थोड़ा टाइट करें और इनकी और इनके जैसे और बीएसएफ के या जिनके भी रिटायर पुराने खोती हुए हैं उनका पे स्केल जो आज बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ाएं। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि आर्मी को सब कुछ मिल रहा है, ये अर्धसैनिक बलों को भी सुविधा दें, क्योंकि पेंशन की मांग को आप माने तो बहुत अच्छी बात है, वो भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो तो पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन कम से कम जो रिटायर्ड है उनका बेसिक पे आज इतना सब लोगों को बढ़ाया जा रहा है तो इनका भी बढ़ाया जाए। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।